हेलो ट्रैवलर, दिस इज मी आरजी। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनारस का फेमस सारनाथ टेंपल, जो कि फेमस है बुद्धा जी के लिए। बुद्धा जी की हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट जो भी है वो लिंक्ड है सारनाथ बनारस से। तो हमने सारनाथ की जो स्टार्टिंग करी थी साइट सीइंग, वो एक गाइड लेके करी थी जो कि हमें ज़्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देंगे और हमें समझाएंगे कि क्या है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस प्लेस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। जो यहाँ का स्थल है, यहाँ का चार इम्पोर्टेंट स्थल है जहाँ पर टूरिस्ट लोग देखने के लिए पूजा के लिए आते हैं। तो सारनाथ में ये चार स्थल बता रहे हैं। पहले आपका मेन टेम्पल है जहाँ पे बुद्ध की अस्थि कलश रखी गई है, और दूसरा आपका बोधि वृक्ष जिसमें 5 इसका मॉडल है, पीपल का वृक्ष है। अच्छा। और तीसरा प्लेस है स्तूपा जहाँ पे बुद्ध ने 5 लोग का पहला ज्ञान पहला उपदेश दिए। और फोर प्लेस है कुछ म्यूजियम जहाँ पे बुद्ध की सारी चीज़ें रखी गई, स्टेचू वगैरह, मूर्तियाँ, अशोक चक्र, अशोक की लाट वगैरह जो खुदाई में मिला था वो म्यूजियम के अंदर है। वो चार प्लेस इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं यहाँ टूरिस्ट के लिए देखने और बताने के लिए। तो गाइस, जो फर्स्ट प्लेस है वो है टेम्पल जहाँ बुद्ध जी का टेम्पल है, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं। ये है वो टेम्पल जो आप देख रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल सी बुद्धा जी की स्टैचू। ये है टेंपल की अंदर की मूर्ति बुद्धा जी की, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही को फूलों से उन्होंने डेकोरेट कर रखा था। गोल्डन कलर में ये मूर्ति है, बहुत ही प्यारी। अब जो नेक्स्ट प्लेस आपको लेके चलेंगे वो है बौद्ध ट्री। गाइस, ये जो टेंपल है आप देख सकते हैं, टेंपल का नाम आप बताइए। मूल गंध कुटी बिहार इस टेम्पल का नाम है, और टेम्पल को बनाने वाले सामने टेम्पल को बनाने वाले कल इनका जुलूस निकाला जाएगा। हाँ, एलिफेंट आएगा, हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे, उसको ऊपर आकर के बुद्ध की बोन को पूरी सारनाथ क्राउन कराएंगे। अभी ये बोधि वृक्ष देखने जा रहे हैं, बोधि वृक्ष देखने जा रहे हैं। सामने आपका बोधि वृक्ष पीपल का, पीपल के वृक्ष जो आपका ओरिजिनल है बौद्ध गया बिहार है जहाँ पे बुद्ध को पीपल। तो गाइस, हम आ गए हैं बौद्ध वृक्ष देखने। आइए मैं जल्दी से आपको बौद्ध वृक्ष दिखाती हूँ जहाँ पर बुद्ध जी ने तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था। यही वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के ये मेडिटेशन करते थे, और यहीं पर ही गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है इसी वृक्ष के नीचे। वृक्ष आज भी हमारे बीच। Thank you.
जो ट्री मैंने आपको दिखाया है, ब्यूटीफुल ट्री, पीपल का पेड़ है ये। इधर ना हुई 1989 लग रहा था, 1989 का ये ट्री, 1931 में ये ट्री को प्लांट किया गया। बहुत ही पुराना ट्री है ये, और यहीं पर बहुत जी की मूर्ति है। वो आपका ओरिजिनल वृक्ष नहीं है, ओरिजिनल है बोध गया बिहार, वहाँ पे बुद्ध को पीपल के नीचे 6 साल के अंदर ज्ञान हुआ। और दूसरा है श्रीलंका, जो राजा अशोक के बेटी और बेटा संगमित्र महेंद्र बोध गया पीपल का डाल को कलम करके श्रीलंका लगाए अनुराधापुरा गांव में, और वहाँ से अनागारिक धर्म पाजी मंदिर को बिल्ड किया, वो श्रीलंका से लाके नाजी खुडवन में यहाँ पे लगाया, फर्स्ट बोध गया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड सारनाथ। और जो बुद्ध ने 5 लोग को पहला उपदेश दिया बोध स्तूप के पास, वो बर्मा के लोग कल्पना करके मॉडल यहाँ पे बनाया, और ये 5 लोग का नाम था महानाम, कुंडली, वसई, बप्पा, सुजीत। और अंदर में गोल गोल धर्म चक्र देखेंगे, हाँ, जो तिब्बत के लोग घुमा के पूजा करते हो, माने पाद में मन की शांति के लिए। इधर में घंटा देखिए 2010 की, हाँ, हाँ, वो जर्मन लेडीज ने यहाँ डोनेट किए थे, शाम को 6:30-4 बजे भोर में 2 टाइम बजाते, 1 से 1.5 किलोमीटर आवाज जाए तो 2 करोड़ रुपये उसके लिए आ जाते। और अंदर में छोटे छोटे मूर्ति देखेंगे, भगवान बुद्ध के 27 अवतार है, भगवान बुद्ध को 27 अवतार हुआ लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ, जो 8वां से तो गौतम बुद्ध उनको ज्ञान हुआ था, वहाँ काले पत्थर लगे होंगे, वहाँ पर उनकी बड़ी प्रतिमा रखी गई है शीशे के अंदर। तो ये है बुद्ध का 3rd जनरेशन बोधि ट्री, फर्स्ट बोध गया, सेकेंड श्रीलंका, थर्ड सारनाथ। और ये जब बुद्ध की जन्म हुआ था पाँच कदम चलने में जो लोटस खुला हुआ रहता है ना, उनके पैर के नीचे से निकल आए थे, तो सब लोगों ने बोला कि ये भगवान है, उन्होंने सबको उंगली दिखाकर बताया कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सबका भगवान परवर है एक, मैं इंसानी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और घर भी आपका गाँव है बुनकर लोगों का, जो आप लोग बनारसी साड़ी का नाम सुनोगे, हाँ, हाँ। वो बनारस में बनाते, बनारस से 10 किलोमीटर आउटर गया पड़ता है गांव। इधर में मोदी जी दिए पूरे 6,000 लोगों को एक एक मकान एक घर में, यहाँ 6,000 लोग बुनाई करते बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टे, स्टोर पूरे लोग बना के यहाँ से बनारस सिटी में जाता है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े दुकान है शोरूम में, हाँ। वहाँ पे लोग GST टैक्स से लगा कर सेल करते हैं, यहाँ से बाहर भी जाता है जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है, सूरत है, यहीं से बन के जाता है। और यहाँ से खरीद भी सकते हैं, यहाँ पे एक दो पीस आपको प्रचार के लिए होलसेल में मिल जाएगी, सब लोग घूमने आने बोधि सस्ता लेने घूम के तब से दिखाया जा रहा है, तो देख लोग जा रहे हैं बनते हुए भी देख सकते हैं। देखने को अगर चाहेंगे तो बाहर से हम दिखा देंगे, कोई टिकट नहीं लेना होगा, बाहर से देखने के लिए किधर जाना पड़ता है, इधर आओ गाइस, ये पार्क है और यहाँ पर टीयर्स मिलते हैं, वो दिखाएंगे अभी भैया, जाएंगे तो छोटा सा है 10 रुपये टिकट, ऐसे जाकर के ग्राउंड करेंगे ना सब दिख जाएगा। देखिए मछली है, रेड वाइट है, देखो फिशेज है यहाँ पे, तो बुद्धा जी जब तपस्या करते थे तो उनके आसपास की जो भी जगह थी वहाँ पर ये पार्क जंगल था, और ये पार्क में अब कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर डियर्स पाए जाते हैं, और डियर्स ही उनके आसपास घूमते थे, तो वही देखने जाते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये जाले लगे हुए हैं, इसी के पीछे ही है वहाँ पर वो हिरन, इतनी दूर से ही आपको देखना होगा, आपको जूम करके दिखाते हैं, तो
जहाँ पर बौद्ध जी तपस्या करते थे यहाँ पे उनके आसपास हिरण आने लग गए, उनके पहले कदम पे कमल का फूल खिलने लग गया। ये चीज़ बताया तभी यहाँ पर कमल का फूल चढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पर आए तो कमल का फूल फ्लावर्स लेके आए अपने साथ। तो गाइज अब हम जा रहे हैं थर्ड प्लेस देखने सारनाथ की, जो कि है स्टूपा, बुद्धा जी का स्टूपा। तो गाइज ये स्टूपा है बुद्ध जी का, ये क्लोजअप में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए नियर बाय नहीं जा सकते, यहीं से जा सकते। अब हम म्यूज़ियम जा रहे हैं, इसके बाद हम म्यूज़ियम चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर क्या कलेक्शन उन्होंने रख रखी है। गाइस ये म्यूज़ियम है सारनाथ म्यूज़ियम, जिसमें हम अंदर जाने वाले हैं, बट यहाँ पर मोबाइल्स अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। इसकी टिकट आपको ऑनलाइन ही लेनी है, यहीं पर आके आपको स्कैनर मिल जाएगा और उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट जनरेट कर सकते हैं। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या था वहाँ पर। ये एंट्री है। सो गाइज इस म्यूज़ियम में कलेक्शन है उस सारे स्टैचूज़ की जो कि खुदाई में मिले, तो उसकी कलेक्शन देखने के लिए आपको यहीं जाना पड़ेगा म्यूज़ियम में। तो गाइज अब मैं आपको लास्ट प्लेस लेके चलूँगी, वो विलेज जहाँ पर सारे वर्कर्स हैं जो कि सिल्क की साड़ियों पे काम करते हैं। चलते हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, वहाँ पर साड़ी भी खरीद सकते हैं। बाय। अच्छा तो अंकल बताइए हमें कि ये साड़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 8 दिन। 8 दिन? 8 दिन लग जाते हैं एक साड़ी को बनाने में। अगर नॉर्मल बनाएंगे ना ज़्यादा वर्क नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा डिजाइन नहीं है, प्लेन रहेगा नॉर्मल। और ये कौन से धागे का इस्तेमाल होता है इसमें? सिल्क धागा। बहुत ही सॉफ्ट है ये धागा। ये डिजाइन वाला जरी हो? ये जरी। अच्छा ये जरी डिजाइन है। वही काला पीला नहीं है, यही कोई 20-25 बरस कम से कम चल रहे थे। अच्छा अच्छा काला नहीं होता? नहीं, क्रिस्टल जरी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए काम करते हुए। तो अब
अभी हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल प्रोडक्ट ओरिजिनल। हाँ ये 750 की दिखाई है हमें, और यहाँ पर ये टेम्पल का डिज़ाइन है और सोमनाथ लिखा हुआ देखिए आप ज़ूम करके 750 और ये पार्टी फंक्शंस के लिए पहनी जाती है, ये 1250 नहीं सर जी बोला पहन के ये 15,500 तो गाइज यही थी हमारी सारनाथ की जर्नी है, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।